हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी हम एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट का जो अंग्रेजी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, एनवायरनमेंट के कितने प्रकार होते हैं और एनवायरनमेंट के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप शायद एनवायरनमेंट को रटते हो, तो आज रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और एनवायरनमेंट को शायद आप कभी ना भूलें। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट जो शब्द है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो एनवायरनर शब्द से किया गया है। किससे किया गया है? एनवायरनर शब्द से किया गया है, जिसका अर्थ होता है घेरे हुए। क्या अर्थ होता है इसका? घेरे हुए, यानी जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा, हिंदी में हम लोग एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग एनवायरनमेंट को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण को संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है। यानी पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमको जो चारों ओर से घेरे हुए है। अब आप आंख खोल के या बंद आंखों से भी महसूस कर सकते हैं कि